गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में आपने पढ़ लिया था कि मानव के द्वारा एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित होता है और उसकी बर्बादी हम कैसे करते हैं। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण। आप लोग जानते हैं कि प्रदूषण आज के दौर में एक बहुत ही बर्निंग इशू है, जिसको कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी आपको आवश्यक है नेट के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉल्यूशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉल्यूशन को अगर डिफाइन किया जाए तो इसे हम इन शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। पॉल्यूशन इज़ द एनी अनडिज़ायरेबल चेंजेज इन एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। दीज अनडिज़ायरेबल चेंजेज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि प्रदूषण क्या चीज़ है। एक अवांछनीय परिवर्तन है और जो उन अवांछित परिवर्तन को लाने वाले हैं उनको हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, प्रदूषक। प्रदूषण और प्रदूषक, इसको आप पिछली कक्षाओं में जब 6-7 में थे तो आपने पढ़ा होगा बिलियन। तो बिलियन किन चीज़ों से बनता है? बिलिय और बिलायक से। जैसे कि हमें शरबत बनाना है तो उसमें दो चीज़ें मिलानी पड़ेगी, एक तो चीनी एक पानी। एक चीनी हो गया आपका बिलिय सॉल्यूट, और जो पानी है बिलायक है, सॉल्वेंट है, तब जाके सॉल्यूशन बनता है। उसी तरह से प्रदूषण, प्रदूषण भी एक होना चाहिए बड़ा चीज़ जिसमें हम कुछ मिलाते हैं। एक है जो मिलेगा वो है पॉल्यूटेंट्स। तो बड़ा चीज़ हम एनवायरनमेंट में कई चीज़ें देखते हैं, जैसे हवा है, पानी है, ज़मीन है। तो इन सभी में जब अवांछित चीज़ें मिल जाती है तब पॉल्यूशन हो जाता है। दिस ड्यू टू मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ट्रेवल, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट डम्प इन टू रिवर्स, पॉलीथीन वेस्ट, आर्टिफिशियल मेथड यूज इन एग्रीकल्चर, सेल फोन्स, वाईफाई etc. तो ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं, हमारे जो क्रियाकलाप है, ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि हम कई तरह के पावर जनरेशन करते हैं, विद्युत उत्पादन, और हम उद्योग बढ़ा रहे हैं, जो उनके कूड़ा कचरा है उसको रिवर में फेंक रहे हैं, पॉलीथीन का वेस्ट कचरा जो है वो उससे जमा हो रहा है। तो इन सभी माध्यमों से हम एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं। दिस पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल नॉट ओनली टू ह्यूमन बट आल्सो टू एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड। यह मानवों के लिए ही हानिकारक नहीं है बल्कि जो हमारे आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके लिए भी हानिकारक हैं, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी उतना ही हानिकारक है। दिस पॉल्यूशन डिक्रीजेज द हेल्दी लाइफ स्पान। जो प्रदूषण है वो हमारी जो हेल्दी लाइफ स्पान है उसको कम कर देता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कितने तरह के प्रदूषक होते हैं। दो टाइप के मेनली होते हैं, पहला है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट द्वितीयक
प्रदूषक। पहला है जिसमें कि प्राथमिक प्रदूषक उसे बोलते हैं इज एन एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स, यानी कि जब स्रोत से सीधे कोई चीज़ें हवा में मिल जाती है तो उसको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। जैसे कि जो ट्रेवल्स के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उनके द्वारा जो निकलता है धुआं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो गया, और पेट्रोलियम क्षेत्र में जब गैस का उत्सर्जन होता है जो हानिकारक गैस है सांस लेने के लिए, उसको ईंधन के लिए यूज करें तो ठीक है, लेकिन जब सांस लेने के लिए उसमें मिल जाती है शुद्ध हवा में तो हानिकारक हो जाता है। तो उस वैसे जो स्रोत से सीधे डायरेक्टली मिल जाते हैं उसको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। अब द्वितीयक पॉल्यूटेंट्स किसको बोलते हैं इसके बारे में जानिए। इस नॉट डायरेक्टली इमिटेड एज सच, यह पहले की तरह डायरेक्टली इमिट नहीं होते, बट फॉर्म्स व्हेन अदर पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट्स इन द एटमॉस्फेयर, जब इनका रिएक्शन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का रिएक्शन वातावरण में दूसरे चीज़ों के साथ होता है तब इनका यह निर्माण होता है। एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड ओजोन विच इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आपस में सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो उनके द्वारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस तरह से द्वितीयक पॉल्यूटेंट्स बनते हैं रिएक्शन के द्वारा। और यही जब प्रदूषक बारिश के साथ घुल करके आती है तो यहाँ पे उसको हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन है, फार्मिंग के लिए हानिकारक है, जो हिस्टोरिकल पैलेस हैं जो धरोहर हैं विरासत हैं जैसे ताजमहल, तो उनके लिए भी ये हानिकारक होते हैं, उनकी जो अम्लीय वर्षा है वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। आपको यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक ये अमेरिकन डाटा है, अमेरिकन जो एक्ट है 1998 में यह पारित हुआ था, एयर क्लीन एक्ट है ये, तो उसमें ये तय किया गया था कि कौन कौन चीज़ें कितनी लिमिट में होनी चाहिए और उसका सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स क्या है और मानव निर्मित सोर्स क्या है और उसका एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या है, ये दिए गए हैं। यहाँ पे लिमिटेशंस बताया जा रहा है कि किस चीज़ का कितना लिमिट होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इन्वायरमेंट और पीपल का क्या इंटरेक्शन है आपस में उनके बारे में, पॉल्यूशन के बारे में और भी आप पढ़ सकते हैं नेट एनटीए की किताब में, उसमें और डिटेल में होगा। आइए, तो ये जो टॉपिक है यह हम डील कर रहा है, डील्स विथ पीपल एंड एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन इज ए नियर परमानेंट ग्रुप, पॉपुलेशन इज अ नियर परमानेंट ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ स्पेस और जियोग्राफिकल एरिया एट द पर्टिकुलर पॉइंट। पीपल है इंडिविजुअल और उसका जब समुदाय बन जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। और जनसंख्या कैसे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है ये आपको नीचे के पॉइंट्स में बताया जा रहा है। जनसंख्या
किन चीज़ों से प्रभावित होता है? तो पहला है नेटलिटी, बर्थ रेट, किसी क्षेत्र का जो जन्म दर है वो ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। उसी तरह से मोर्टेलिटी, मृत्यु दर ज़्यादा है तो वहाँ की पॉपुलेशन घट जाएगी। और ये पॉपुलेशन डिस्पर्जल ये भी प्रभावित करता है पॉपुलेशन को। इनमें तीन शब्द हैं। इनमें एक होता है इमिग्रेशन, एक इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। तो तीनों का यहाँ पे मीनिंग बता दिया गया है। इमिग्रेट मीन्स यू आर एग्जिटिंग योर करंट होमलैंड, यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से आप सदा के लिए जा रहे हैं कहीं पे, तो इमिग्रेट करना कहते हैं। दूसरा है इमिग्रेट मीन्स यू आर कमिंग टू कंट्री टू लीव, यानी कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ के लिए आप इमिग्रेट हो गए। तीसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल फ्रॉम वंस लोकेशन टू अनदर, यानी कि जो प्रवासी कुछ होते हैं, प्रवासी लोग, कि कुछ दिन के लिए कहीं पे जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। चौथा है पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाला एज डिस्ट्रीब्यूशन, किस एज में वहाँ का पॉपुलेशन है। तो तीन चीज़ें प्रभावित होती हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन से। रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव एज यानी कि किशोरावस्था, रिप्रोडक्टिव एज जहाँ पे हम लोग मानव या कोई भी जीव जंतु अपना संख्या बढ़ाता है प्रजनन के थ्रू, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो फिर जनसंख्या बढ़ाने में योगदान नहीं कर सकता है। इसी तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, किस दर से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है उससे प्रभावित होता है। छठा है कैरिंग रिसोर्सेज मेनली फूड वाटर स्पेस, देयर आर लिमिटेड सोर्स टू सपोर्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स, यानी कि जो पॉपुलेशन है तो कैरी करता है ये सब चीज़ें, फूड है, वाटर है, स्पेस है, और आप जानते हैं कि पृथ्वी में जो संसाधन है वो लिमिटेड है, तो हमें संसाधनों के और जो मानव है उनके बीच एक संतुलन बना के रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो काम आ सके। अब जो हम लोग नया टॉपिक की ओर चल रहे हैं जिसका कि नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। द इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम जो है पर्यावरण का या इकोलॉजी का एक यूनिट है, जैसे कि हमारे शरीर में कोशिका एक यूनिट है, वो दो तरह के होते हैं, यानी कि दोनों काम करते हैं, एक तो संरचना भी देते हैं और वो क्रिया भी करते हैं, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरह के उसमें एक्टिविटीज पाई जाती है। तो इकोसिस्टम उसी तरह से हमारे शरीर की कोशिका की तरह से पर्यावरण के लिए यूनिट है। इन द अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज एन चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि यह एक चेन रिएक्शन है एक इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय एज टेंसले एन इंग्लिश बॉटनिस्ट इन 1935। ये जो शब्द है इकोसिस्टम उसको एज टेंसले ने दिया था, जो कि एक अंग्रेज पादप विज्ञानी थे। इकोसिस्टम के टाइप्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है एक्वेटिक जलीय, दूसरा है टेरेस्ट्रियल यानी कि थलीय।
जल और थल का इकोसिस्टम। तो जल में भी दो प्रकार हो गए, एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा है मराइन वाटर इकोसिस्टम। और थलीय इकोसिस्टम में पहला फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। तो ये डिटेल में आगे हम लोग इसको देखते हैं। पहला टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी फाउंड एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम हेविली सैचुरेटेड प्लेसेस। दे आर ब्रॉडली क्लास्ड इनटू, यानी कि ये जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है कहीं पे भी पाया जाता है जहाँ पे एक हैवीली सैचुरेटेड प्लेस, यानी कि वो प्रचुरता से भरा हुआ है, भारी प्रचुरता से, जैसे कि वहाँ पे जो जीवन की संभावनाएं हैं अधिक है, खाने का, रहने का, पीने का, उनकी सब कहीं पे भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है जीव जंतुओं के लिए, मानवों के लिए, तो वहाँ पे वो ज़्यादा विकसित होता है। पहला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेरिस्ट्रियल का, जंगल का इकोसिस्टम कैसे क्या है। दे आर द इकोसिस्टम इन विच एन एविडेंस ऑफ फ्लोरा और प्लांट्स इज सीन, सो दे हैव अ बिग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव इन रिलेटिवली स्मॉल स्पेस। जो जंगल का इकोसिस्टम है उसमें मेनली बहुतायत में पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि हैबिटेट का काम करते हैं जंगली जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। Therefore, in forest ecosystem, in density of living organism is quite high. They are further divided into जो forest ecosystem है वो भी कई प्रकार में बताया गया है। पहला है tropical evergreen forest, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। These are tropical forest that receive a mean rainfall of 80 cm for every 400 inches annually, यानी कि इनके जो वार्षिक वर्षा है 80 cm के करीब होती है और 400 इंच वार्षिक, बहुत तेज वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। The forest आर कैरेक्टराइज्ड बाई डेंस वेजिटेशन विच कंपेराइज टॉल ट्रीज एंड डिफरेंट हाइट्स। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही कंपटीशन करते हैं एक दूसरे में, बहुत हाइट तक जाते हैं, टॉल होते हैं, क्योंकि इतना डेंस वेजिटेशन है कि उनको सूर्य की रोशनी मिल नहीं पाती नीचे, तो इसलिए वो अपनी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बनाए रखने के लिए अपनी हाइट में इजाफा करते रहते हैं। सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देयर सब्स एंड डेंस बुशेस रूल अलोंग विथ अ बोर्ड सिलेक्शन ऑफ ट्रीज। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन क्वाइट अ फ्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल अ लार्ज वेराइटी ऑफ फना एंड फ्लोरा आर फाउंड देयर। ये ऐसे वन क्षेत्र हैं जहाँ साल में एक बार उनके पत्ते गिर जाते हैं।
अब तीसरा प्रकार है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है, उष्ण कटिबंधीय में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, शीतोष्ण में दोनों तरह के हैं, उष्ण भी है और शीत भी है। दोज हैव अ क्वाइट फ्यू नंबर्स ऑफ ट्रीज एज मॉसेस एंड फर्न्स मेक अप फॉर देम। दिस हैव डेवलप्ड स्पीक्ड लीव्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन। इनकी पेड़ पौधों में एक गजब की क्वालिटी है जो कि अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं लेस ट्रांसपिरेशन के लिए, यानी कि जो वाष्पीकरण की क्रिया है वहाँ पे कम हो, इसलिए अपने पत्तियों को एक विशेष आकृति देते हैं। ये वो अपने पत्तियों को नुकीला बना लेते हैं। फोर्थ है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पे आपको जो पेड़ पौधों के पत्तियाँ हैं इनकी भी एक साल में एक बार गिर जाती है। द फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन द मोस्ट टेम्परेट प्लेस दैट हैव सफिशियंट रेनफॉल। समर्स एंड विंटर्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड द ट्रीज शेड द लीव्स ड्यूरिंग विंटर मंथ। यहाँ पे उन जो जो पेड़ पौधों के लिए है पर्याप्त वर्षा होती है और यहाँ पे जो वो मौसम है क्लियरली डिफाइंड होते हैं, जाड़ा गर्मी, और एक बार जो पौधे हैं अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। पांचवा है टैगा, जिसे हम शीत कटिबंधीय वन भी कह सकते हैं। सिचुएटेड जस्ट बिफोर द आर्कटिक रीजन द टैगा इज डिफाइंड बाय एवरग्रीन कॉनिफर्स। एज द टेम्परेचर इज बिलो जीरो फॉर ऑलमोस्ट हाफ ए ईयर द रिमाइंडर ऑफ द मंथ्स इट बजेज एंड माइग्रेटरी बर्ड्स आर इन एंड इंसेक्ट्स। टैगा ऐसा वन क्षेत्र है जहाँ पे आपको टेम्परेचर जीरो से मिनिमम रहता है, कम रहता है जीरो से साल के 6 महीने, और जब उसमें टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है तो वहाँ पे कुछ बर्ड्स और इंसेक्ट्स माइग्रेटरी के रूप में जाते हैं, प्रवासी के रूप में। आइए अब जो टेरेस्ट्रियल का दूसरा है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम आर लोकेटेड इन रीजन्स दैट रिसीव एन एनुअल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर 10 इंचेज। यहाँ पे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। द ऑक्यूपाई अबाउट 17% ऑफ ऑल द लैंड, यानी कि जितना पूरी धरती में बारिश हो रही है उसका 17% ही है इनको मिलता है। द वेजिटेशन इज मेनली शॉब्स बुशेज फ्यू ग्रासेस आर रेयर ट्रीज। यहाँ पे मेनली झाड़ी और घास पाए जाते हैं, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, और इनकी जो पत्तियाँ हैं ये भी मॉडिफाई कर लेते हैं अपने को वहाँ पे जल के बचाव के लिए, वाष्पीकरण की क्रिया कम हो। तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, कैक्टस का पौधा नागफनी, जिसके पत्तियाँ कांटे की जैसे होती है, कांटे ही होती है उनकी पत्तियाँ। तीसरा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो घास का इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन बोथ द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, यानी कि उष्णकटिबंध में भी पाया जाता है और शीतोष्ण कटिबंध में भी पाया जाएगा ये घास। द एरिया मेनली कंप्राइज ग्रासेस
विद अ लिटिल नंबर्स ऑफ ट्रीज एंड शॉप्स। यहाँ पे पेड़ बहुत कम होते हैं लेकिन घास और झाड़ियाँ पाए जाते हैं। द मेन वेजिटेशन इंक्लूड ग्रासेस प्लांट्स एंड लेग्यूम्स। इनका जो मेन वेजिटेशन होता है क्या है, घास है, कुछ प्लांट्स होते हैं और लताएं होती है। लॉट ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स इंसेक्टिवोरस एंड हर्बीवोरस हैबिटेट एंड हैबिटेट द ग्रास लैंड। यानी कि ये बहुत वैसे जीव जंतुओं के लिए हैबिटेट प्रदान करते हैं जो कि जो घास पे निर्भर रहते हैं, और इंसेक्ट्स हैं, हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी जो जीव जंतु हैं और कीड़े। दो तरह के मेनली घास का इकोसिस्टम है, एक है सवाना दूसरा है प्रेरी। सवाना द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यह है यह ट्रॉपिकल रीजन का ग्रासलैंड है और ड्राई सीजनली एंड हैव अ फ्यू इंडिविजुअल ट्रीज। दे सपोर्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ प्रेडेटर्स एंड ग्रेजर्स। जो सवाना टाइप का ग्रासलैंड है वो सपोर्ट करता है किसके लिए, जो कि प्रीडेटर्स हैं और ग्रेजर्स हैं। प्रीडेटर्स मतलब कि जो कार्निवोरस के जो आहार हैं, जैसे हिरण है, खरगोश है, ये सब इनके लिए। प्रेरीज इट इज टेम्परेट ग्रासलैंड कंप्लीटली डिवाइड ऑफ द लार्ज शॉब्स एंड ट्रीज। प्रेरीज कुड बी कैटेगराइज ए मिक्सड ग्रास, टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ग्रास। यहाँ पे तीनों तरह के घास पाए जाते हैं, बड़े, लंबे, छोटे, मिश्रित है यह। अब चौथा है माउंटेन इकोसिस्टम। माउंटेन लैंड प्रोवाइड अ स्कैटर्ड एंड डाइवर्स एरिया ऑफ हैबिटेट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी फाउंड। जो माउंटेन का क्षेत्र होता है वह बिखरा हुआ रहता है, उनका जो इकोसिस्टम है वो भी स्कैटर्ड होते हैं। एट द हायर एल्टीट्यूड द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस नॉर्मली प्रिवेल एंड ओनली ट्री लेस अल्पाइन वेजिटेशन कैन सर्वाइव। द एनिमल्स दैट लिव देयर हैव थिक फर कोट और प्रिवेंशन फ्रॉम कोल्ड एंड हाइबरनेशन इन द विंटर मंथ्स। तो यहाँ की भी टिपिकल कंडीशन होती है और जो एडप्ट कर पाते हैं वही वही वहाँ पे पाए जाते हैं, पेड़ हो या जंतु हो। और यहाँ की जंतुओं में एक विशेष प्रकार का क्वालिटी है जो कि जाड़े से बचने के लिए उन्हें उनकी जो बाल हैं वो मोटे रहते हैं। अब आइए हम लोग जलीय इकोसिस्टम की ओर चलते हैं। द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज द इकोसिस्टम फाउंड इन ए बॉडी ऑफ वाटर। इट इनकम्पासेस एक्वेटिक फ्लोरा फना एंड वाटर प्रॉपर्टीज एज वेल। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, मराइन एंड फ्रेश वाटर। जो जल में भी वेरियस टाइप के जीव जंतु और प्लांट्स पाए जाते हैं, तो आइए डिटेल में जानते हैं। पहला है खारा जल का जो इकोसिस्टम क्या है। मराइन इकोसिस्टम आर द बिगेस्ट इकोसिस्टम विच कवर अराउंड 71% ऑफ अर्थ सरफेस एंड कंटेन 97% ऑफ आवर प्लानेट वाटर। वाटर इन मराइन इकोसिस्टम फीचर्स इन हाई अमाउंट्स मिनरल्स एंड साल्ट डिजॉल्व इन देम।
जो मरीन इकोसिस्टम है वह सबसे बड़ा इकोसिस्टम इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी का यह 70% भाग कंटेन करता है। और अगर केवल टोटल देखा जाए जल के क्षेत्र में, तो पूरे जल क्षेत्र का यह 97% कवर करता है। डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द मरीन इकोसिस्टम आर, ये भी कई तरह के पाए जाते हैं, जैसे ओशिनिक है, समुद्री, ये जो हिंदी वर्ड दिया गया है आपके लिए समुद्री, ए रिलेटिवली शैलो पार्ट्स ऑफ ओशियन विच लाइज ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ। समुद्री का मतलब कि जो भी सागर क्षेत्र में इकोसिस्टम है उसको ऊपरी तौर पे, उसको ओशियनिक इकोसिस्टम बोलते हैं, जो उनके ऊपरी तल पे विकसित होता है, एक है। दूसरा है प्रोफाउंडल डेप्थ, प्रोफाउंडल इकोसिस्टम, मतलब कि सागर में ही उनकी गहराई में, सागर की गहराई में पाए जाने वाले इकोसिस्टम को प्रोफाउंडल कहते हैं। तीसरा है बेंथिक, बॉटम से रिलेटेड, यानी सागर में तो गहराई हो गई लेकिन उनके तल में नीचे की ओर वहाँ भी कुछ न कुछ इकोसिस्टम पाया जाता है। चौथा है इंटरटाइडल, यानी कि ज्वार भाटा में जो इकोसिस्टम दिख रहा है, कुछ ऐसी मछलियाँ पाई जाती है कि वो ज्वार भाटे में ही विकसित होती है, वहीं पे वो अपना पूरा जीवन क्रम व्यतीत करते हैं। पांचवा है कोरल रीफ, कोरल रीफ का होता है एक मुंगा में पाए जाने वाले इकोसिस्टम। मुंगा का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा भूगोल की सब्जेक्ट में, जब जानवरों के मृत शरीर के पार्ट्स जब जम जाते हैं तो उन पे जो इकोसिस्टम उत्पन्न हो जाता है परजीवी का, वो कोरल रीफ्स है। नोट, मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन मरीन इकोसिस्टम, द ब्राउन एल्गी, कोरल्स, सेलोफोर्ड्स, इकिडॉर्म्स, डिनोफ्लेगलेट्स एंड शार्क्स, ये कुछ नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से पाए जाते हैं समुद्री इकोसिस्टम में। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम काउंट्री, द मरीन इकोसिस्टम, उसके काउंटर में हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है समुद्र के काउंटर में। इट कवर्स ओनली 0.8% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कंटेन 0.009 ऑफ द टोटल वाटर, यानी कि जो यह स्थल का 0.8% कवर करता है और जो जल का स्थल में जो जल है उनका यह 0.009%। थ्री बेसिक काइंड्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एग्जिस्ट, तीन तरह के जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। पहला है लेंटिक, लेंटिक का मतलब है रुका हुआ जल, यानी कि झील है, तालाब है, वैसे जल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम। दूसरा है लॉटिक, जो मूविंग वाटर है, जैसे नदियां हैं उनमें पाए जाने वाले इकोसिस्टम। और तीसरा है वेटलैंड, यानी कि दलदल, दलदल क्षेत्र में पाए जाने वाले इकोसिस्टम, प्लेस इन विच द सॉयल इज इनोडेटेड और सैचुरेटेड फॉर सम लेंथी पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होता है, वाटर का सैचुरेशन लंबे समय तक रहता है, दलदल में कमी नहीं रहती है। द इकोसिस्टम आर हैबिटेट्स टू रिप्टाइल, एम्फीबियंस एंड अराउंड
41% ऑफ द वर्ल्ड्स फिशेज स्पीसीज, यहाँ के जो जीव जंतु हैं मेनली सांप की प्रजाति के हैं, पक्षियों के प्रजाति के हैं, और दुनिया के 40-41% मछलियाँ इस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, मछलियों की जो प्रजाति है। द फास्टर मूविंग टर्बुलेंट वाटर टिपिकली कंटेन अ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन सपोर्टिंग ग्रेट बायोडाइवर्सिटी एंड स्लो मूविंग वाटर इन पूल्स। जो दलदल का क्षेत्र है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का लेवल पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पे इतने सारे जीव जंतु विकसित हो पाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके, इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक गुण क्या है इनके, विशेषताएं। पहला है क्लोज्ड सिस्टम, थ्रू इट मे बी प्रियम्बल टू आउटसाइड इन्फ्लुएंसेज एंड इकोसिस्टम कैन बी थाउट डाउट थाउट एज ऑफ एज ए रिलेटिवली सेल्फ कंटेंट सिस्टम। यानी कि ये एक क्लोज्ड एरिया में पाए जाते हैं इकोसिस्टम, और ये अपने आप में सफिशियंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंस, जो एक जो क्लोज्ड एरिया है लेकिन जो वहाँ के विभिन्न जीव जंतु हैं या इन्वायरमेंटल अबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे मिट्टी है, पानी है, हवा है, तो उनमें एक इंटरडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तीसरा है ये डायनेमिक होते हैं, इकोसिस्टम आर एबल टू चेंज एंड इवोल्व। इंडीड इवोल्यूशन इज वन रीजन व्हाई वी हैव डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम इन द फर्स्ट प्लेस। अगर डायनेमिक न हो तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी एडेप्टिलिटी जो इनकी अनुकूलता है वो बदलती रहती है, इसलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। अडेप्टेड, वहाँ के जो वातावरण है उनसे वो अडेप्ट हो जाते हैं। फ्रेगाइल, नाजुक इकोसिस्टम है, कुछ इकोसिस्टम होते हैं कि नाजुक होते हैं, वो कुछ दिनों के लिए कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं फिर वो समाप्त हो जाते हैं। मैनी इकोसिस्टम्स आर कंसिडरेबली फ्रेगाइल व्हेन फोकस्ड विथ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो अभी ग्लोबल वार्मिंग का जो दौर है इकोसिस्टम पे बहुत बुरा असर डाल रहा है, और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई सारे इकोसिस्टम विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं वो। लास्ट है ब्यूटीफुल, ये जो इकोसिस्टम का बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सुंदर होते हैं और अपने वातावरण को सुंदर बनाते हैं ये। अगर ये ना हो तो हम जो डाइवर्सिटी है उसको हम खो देते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है कि बायोडाइवर्सिटी, बहुत तरह के यहाँ पे जैव विविधता पाए जाते हैं इकोसिस्टम में। इवोल्यूशन है इम्पोर्टेंट, यानी कि ये हमेशा विकास क्रम में रहते हैं। तीसरा है इंटरकनेक्टेडनेस, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स में। सेल्फ सस्टेनिंग है, ये अपने आप को सस्टेन और सर्वाइव कर सकते हैं। पांचवा है रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, ये क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं। मैनी इकोसिस्टम हेल्प्स टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन और क्लाइमेट इन आवर क्लाइमेट। इन एडिशन मैनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोटेक्ट द अर्थ अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर, यानी कि जब बहुत या गर्मी पड़ जाती है या बरसात होने लगती है तो ये जो वेजिटेशन है जो अर्थ को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उससे पेड़ पौधे मिट्टी की जड़ों को बांधे रखते हैं ताकि उनका कटाव न हो।
और ऊपर से भी जो गर्मी आती है उसको भी वो रोक लेते हैं कुछ हद तक। सोर्स ऑफ फूड एंड फ्यूल, देखिए ये सब सोर्स होते हैं हमारे खाने के और ईंधन के। फंक्शन ऑफ इको सिस्टम, इनके दी तीन तरह के फंक्शंस बताए गए हैं। पहला है सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज में फूड सप्लाई है, रेगुलेशन है, वाटर प्योरिफिकेशन है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। फूड है, रॉ मटेरियल्स है, जेनेटिक रिसोर्स है, बायोजेनिक मिनरल्स है, मेडिसिनल रिसोर्सेज, ये सब इनसे प्राप्त होते हैं। तो ये उनकी सपोर्टिंग है, सपोर्ट सर्विसेज है। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विस, यानी कि कैसे ये रेगुलेट करते हैं। तो कई तरह के आप साइकिल्स के बारे में पढ़ते होंगे, तो उनको ये रेगुलेट करते हैं। कार्बन कार्बन सिक्योरेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, वेस्ट डिकम्पोजिशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल। इकोसिस्टम के द्वारा ही ये सभी चीज़ें रेगुलेट होती है। और तीसरा है कल्चरल सर्विसेज, सांस्कृतिक सेवाएं उनकी क्या है इकोसिस्टम की। कल्चरल इंक्लूड नेचर और मोटिव्स इन बुक्स, फिल्म्स, पेंटिंग, ये इन पे आधारित कई तरह के लोग अपना आजीविका भी चलाते हैं इनके आधार पे। स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इनका। रिक्रिएशनल एक्सपीरियंस, यानी कि ये मनोरंजन के भी साधन होते हैं। साइंस एंड एजुकेशन, इनके द्वारा बहुत तरह की शिक्षाएं जुड़ी हुई है, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ स्कूल एक्सक्यूजन एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। थेरेपेटिक इन सिग्निफिकेंस है, कई तरह के मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स इनमें पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को रक्षा करता है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे अपने कक्षा को विराम देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।